खबर झारखंड से है, जहां हरला थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग बेटी की जिंदगी उजड़ते उजड़ते बच गई। दरअसल एक जगह शादी में शरीक होने आए कुछ लोगों को दूल्हे की उम्र देखकर शक हो गया था, जिससे उसी में से एक व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस सहित बजरंग दल वालों को उसकी सूचना दे दी। वहीं बजरंग दल वाले विवाह स्थल पर पहुंचे तब तक आरोपी शातिर दूल्हा को भनक लगने से व मौके से अपनी नकली बनाए हुए बाप के साथ फरार होने में कामयाब हो गया है। वैसी से डीएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी पूरी तरह से क्रिमिनल दिमाग का है। वह बहुरुपया पहले भी लगभग 3 शादियां कर चुका है। पूर्व में भी यह ठगी के मामले में चास थाना क्षेत्र से जेल भेजा जा चुका है। वहीं पुलिस के हाथ जल्द ही आरोपी को गिरवान तक पहुंच जाएंगे। नहीं, मम्मी से ही भेज हुआ तो मम्मी ही बोली तो घर में फिर सबका आना जाना बंद। क्या पुलिस वुलिस का वर्दी पहन के भी आता था क्या? हाँ। क्या करता था? आके मतलब पुलिस का यूनिफॉर्म में और मतलब दिखाता था कि देखो ये है। तुम्हारे साथ शादी हो रहा था? हाँ। जैसे कि हम ना छोटा मोटा लोन लेते थे, ठीक है सर, उसके बाद में लोन लेते थे ना तो बोले ना, वो बोले ना कि दीदी आपका घर कहाँ का कहाँ है, तो हम बोले मेरा घर नावागढ़ चट्टी है, तो ये भी बोल रहे कि मेरा घर भी नावागढ़ चट्टी है, तो बोले तो हम बोले कि हम तो आपको कभी देखे नहीं है, तो बोल रहा नहीं सर, हम छोटा में ही निकल रहे थे, सो बोल रहे थे। उसके बाद में बोला कि आपको लोन चाहिए, बोले हाँ हमको लोन चाहिए, तो हम बोले ना कि सर पहले सर जानते हम क्राइम में फंस गए, हम थाना पर भी गए थे, तो बोला कि क्या करेंगे, वहाँ भी हम गए थे, वहाँ पर आगे में वहाँ पर भी गए थे, तो वहाँ नहीं सुने। उसके बाद में चुपचाप लगा दी। उसके बाद में क्या हुआ ना कि अचानक ये फिर हमको भेटा गए। कल क्या हुआ? कल क्या हुआ, सर लोग आए हैं, हम भी उधर गए थे, तो उसके बाद में देखे सर को, ओकर बाद उनको बैठने बोले, ओकर बाद में घर सक गए। तो कल आपका बेटी शादी करने आया था क्या? हाँ। तो पहले से तय था ये? हाँ पहले ही से तय। के पिताजी जो लड़की के पिताजी है वो भेल चालक हैं, रोजी रोटी ऐसे कमाते हैं, इसने लोन के माध्यम से जो स्मॉल स्केल आजकल लोग करते हैं ना, उसके माध्यम से इस परिवार के संपर्क में आया। उसने बोला कि मैं लोन वगैरह करता हूँ, आप लोगों का लोन करके आर्थिक व्यवस्था आपकी अच्छी करा दूंगा, तो इसके माध्यम से वो ऐसे इस परिवार को फंसाया। उसके बाद दिन आते जाते हैं, उसका सिलसिला चालू हुआ और उसने बेटियों का स्कूल भी जाना बंद करवा दिया। दो बेटियां हैं, दोनों का स्कूल जाना बंद करवा दिया उसने। और उसके बाद इनको जबरन कि अब शादी कराओ, ये मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके घर में कुछ लोग आके वर्दी वगैरह पहन के डरा धमका के शादी करने तक बात उसने पहुंचा रखी। सत्यापन में यह बात सत्य भी पाई गई कि लड़की नाबालिग है और उसकी शादी उसके परिजनों के द्वारा मिलजुल कर किया कराया जा रहा था, जिसमें कि एक लगभग 45-50 साल का आदमी शादी कर रहा था। पुलिस जब वहां पहुंची तो वह वहां से भागने में सफल हो गया, और जब उनके लड़की के परिजनों से और स्वयं लड़की से पूछताछ किया गया तो इस बात को स्वीकारे कि हाँ हम लोग शादी कर रहे थे। और सुबह में जब हम लोग फिर से इसके विषय में अनुसंधान करने और जांच करने के और अग्रतर कार्रवाई कर रहे थे तो आदमी का पता चला है कि चास थाने से भी वो एक 2021 में इसी प्रकार से कुछ फर्जी वाला काम कर रहा था, उसमें वो जेल भी गया है और अन्य भी उसके आपराधिक इतिहास किस प्रकार के रहे हैं वो हम लोग पता कर रहे हैं। क्या हाँ, अभी हमने जांच में जैसा कि हम लोग आपराधिक इतिहास से पता किए हैं वो मुस्लिम समुदाय का ही है और धर्म छुपा कर ही शादी कर रहा था।